जय हिंद दोस्तों, मैं एस तोम और आप हमारे साथ जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल भारत माता की जय के साथ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। जैसे कि आप अभी परेशान चल रहे हैं कि मेरिट लिस्ट कब आएगी, अभी अगर पूछा जाए तो SSC 2020 में जितने भी कैंडिडेट हैं सबके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होगी कि मेरिट लिस्ट कब आएगी। लेकिन जैसे ही मेरिट लिस्ट निकल जाएगी आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, उसके बाद अगर 90% किसी के दिमाग में कुछ चलेगा तो वो चलेगा छुट्टी कब मिलेगी। अगर कोई चाहे उसकी सर्विस 10 साल हो गई हो, चाहे 1 साल, चाहे 20 साल, चाहे 25 साल, जैसे कि हम आपस में जब नॉर्मल घर में रहते हैं और खैर खुशी पूछते हैं कि भाई कैसे हो, क्या चल रहा है, उसी तरह अगर फोर्स में कोई किसी को कुछ पूछता है तो यही पूछता है और छुट्टी उट्टी काट ली क्या, और छुट्टी उट्टी बची है क्या, और छुट्टी कब जा रहे हो क्या, सिर्फ ये, क्योंकि फोर्स में सबसे ज़्यादा मारामारी चलती है वो छुट्टी की चलती है। उसमें भी कुछ दिन बर्बाद हो जाते हैं, छुट्टी मिलने में भी कई प्रकार की परेशानियाँ आती हैं। जैसे आप 15 दिन की मांगेंगे तो अधिकारी बोलेगा नहीं 30 दिन की जाएगा, या आप 30 दिन की मांगेंगे अधिकारी बोलेगा नहीं 10 ही दिन की जाएगा, इस तरह की परेशानियां भी आती हैं। तो उस समय भी मैनेज करना पड़ता है कि भाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, कहीं कुछ करेंगे। और ऐसा सबके लिए होता है, ऐसा नहीं कि केवल कांस्टेबल रैंक के लिए, सारे रैंकों के लिए यही हालत रहती है, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे कंपनी कमांडर हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो, चाहे कोई हो, सबके लिए यही समस्याएं आती हैं। छुट्टियों के कुछ रूल्स हैं तो आज हम आपको बताएंगे। आपको ट्रेनिंग में जैसे मीटरम आएगा, मीटरम से ही आपको ज़रूरत पड़ने लगेगी इन चीज़ों की। हालांकि मीटरम में ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो लागू नहीं होगा, क्योंकि मीटरम में आपको 2 वीक का मिलेगा और 2 वीक में जिस दिन वो आपको बुलाएंगे उसी दिन आपको पहुँचना होगा, उसमें 1-2 दिन का एक्सक्यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जिस दिन बुलाते हैं उसी दिन आपको पहुंचना होता है, और लगभग स्क्वाड वाइज या कंपनी वाइज सबको छोड़ा जाएगा 2-2 वीक के लिए जब आपका ट्रेनिंग आधा हो जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग के बाद जो शेड्यूल रहेगा हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ऐसा होगा कि कभी कोई आसाम के लड़के होंगे और वो श्रीनगर में नौकरी कर रहे होंगे, या कहीं केरला के लड़के होंगे और वो आसाम में नौकरी कर रहे होंगे, यानी कि एक दूर दराज की बात कर रहा हूँ। अगर कोई नज़दीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई दूर का है जहाँ 3000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, आने जाने की समस्याएं आती हैं। ऐसे में क्या क्या सरकार द्वारा सुविधाएं दी गई हैं उन पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, हम आपको देते रहेंगे फोर्स से जुड़ी इसी प्रकार की लेटेस्ट और छोटी बड़ी सभी प्रकार की खबरें। तो चलिए चलते टॉपिक की ओर। देखिए छुट्टी का तो जैसे हम कई बार आपको बता ही चुके हैं कि छुट्टी फोर्स में बहुत कम है, यानी जितनी भी है उतनी भी कम ही लगती है, 260 दिन प्लस 15 दिन। अब मोदी जी का जो चल रहा है, अमित शाह का 100 दिन, अगर 100 दिन हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आप फिर भी जो 100 दिन का छुट्टी है वो 100 दिन का छुट्टी भी 365 दिन में पर्याप्त नहीं हो सकता है। देखिए अगर श्रीनगर से सरकार ने कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं श्रीनगर और नॉर्थ ईस्ट में, तो ये सुविधाएं सभी के लिए है, जो नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं उनके लिए भी हैं, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट में सर्विस कर रहा है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इन्हें बोलते हैं ACS, यानी कि एयर कोरियर सर्विस। ये 3 बार की छुट्टी में उपलब्ध कराई जाती है। 3 बार की छुट्टी का मतलब हो गया है यानी कि आपको 1 साल में 3 चांस मिलेंगे एयर बाई एयर जाने के, और वो भी निःशुल्क यानी कि फ्री में, और वो कोई डगोटा सुविधा नहीं है। डगोटा आप नहीं समझते हैं, डगोटा मतलब एयरफोर्स के एक मालवाहक हवाई जहाज होते हैं जो एकदम ट्रक की तरह खाली रहते हैं, जिसमें से 400-500 लोग आसानी से आ जाते हैं। जब इलेक्शन वगैरह होता है तो फोर्स को उन्हीं में जो है एयर सेवा दी जाती है और उन्हीं में बिठा के और एक जगह से दूसरी जगह छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसमें कंपनी का सामान भी रहते हैं, कहीं गैस चूल्हे हैं, टेंट हैं, कहीं कुछ है, पूरा चारपाई चुरपाई पूरा सामान है, तो वो सारे सामान के साथ वो डगोटा बोलते हैं, यानी कि ट्रक तरह के एयर ट्रक मान सकते हैं आप उन्हें, उनमें सर्वे जो है यात्रा करते। लेकिन ये जो छुट्टी के लिए सुविधा है ये प्रॉपर वही है जैसे इंडिगो एयर इंडिया वगैरह के जो सीटर रहते हैं विमान, वही सीटर विमान है।
और इनमें तीन चांस मिलते हैं निशुल्क, यानी कि आप 3 बार छुट्टी काट सकते हैं, वो भी किस तरह से, फ्री में। आपको उतने एरिया का ना आपको वारंट लेना पड़ेगा, ना कुछ लेना पड़ेगा, कुछ नहीं। अभी मान के चलिए अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का है, श्रीनगर में सर्विस कर रहा है, तो वो पहले श्रीनगर से बाई एयर चलेगा जम्मू तक के लिए, श्रीनगर में कहीं भी होगा, श्रीनगर से जम्मू तक बाई एयर आएगा निःशुल्क। फिर श्री जम्मू से लेकर के और कलकत्ता तक का वो अपना टिकट या वारंट या जो भी है वो अपना लेगा। और कलकत्ता में सुविधा रहेगी हर फोर्स के लिए कि उनके फोर्स, उनके जो हेडक्वार्टर है वहाँ जहाँ उनके नाम एंट्री होते हैं वहाँ एंट्री हो जाएगी। उसके बाद जब भी उनका नंबर पड़ेगा ड्यूटी के लिए, उनका नंबर पड़ जाएगा, मान लो आज उन्होंने रिपोर्ट कर दिया, तो उसमें नंबर रहते हैं कि भाई ये आज आए, इनका कब नंबर, हो सकता है आज आज आए आज ही नंबर पड़ जाए, सीटें खाली हो सकता है कल पड़े, हो सकता है परसों पड़े, नंबर पड़ेगा। वैसे ही आपको एयरपोर्ट, आपकी गाड़ी ले जाएगी एयरपोर्ट, छोड़ेगी एयरपोर्ट छोड़ के, और आपको वहीं की वहीं सीधा त्रिपुरा के लिए। वो ऑर्डर मैं आपको अभी इसी में डाल दूंगा, आप खुद देखेंगे और समझ लेंगे कि कहाँ कहाँ से कितने कितने दिन के लिए है। किसी जगह 4 दिन, किसी जगह 2 दिन, यानी कि त्रिपुरा के लिए है, गुवाहाटी वगैरह हर जगह के लिए है, अरुणाचल तक के लिए है, ईटानगर तक के लिए, कोलकाता से। तो वो सुविधाएं आपको निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो उन सुविधाओं से आपको ये है कि जो आपका टाइम इधर लगना था कलकत्ता से अरुणाचल जाने का, कलकत्ता से ईटानगर या मेघालय जाने का या त्रिपुरा जाने का जो समय लगता है, वो समय आपका बच जाता है। आपको तुरंत आधा से 1 घंटा लगता है। मैं त्रिपुरा अगरतला में था तो कलकत्ता से 3-4 बार मैं भी गया हूँ। 2017 वाला आपका SSC का जो बैच था उसे मैं ट्रेनिंग दे रहा था ATC अगरतला में, तो 2017 में था तो मैं भी उसी से आता जाता था। इसमें प्योरिटी ये रहती है कि जो फर्स्ट चांस मिलता है, यानी कि अगर आप उधर ही सर्विस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप नॉर्थ ईस्ट में सर्विस कर रहे हैं और आप दूसरी बार जा रहे हैं, तो देखा जाएगा कि आपको पहले छोड़ा जाए या दूसरा है जो पहली बार जा रहा है उसे, इसमें चांस रहते हैं 3, तो तीनों चांस के लिए रहता है, यानी कि 2 बार EL 1 बार CL, 3 चांस रहते हैं। आप 3 बार कभी भी सुविधा ले सकते हैं, उसके बाद आपका नंबर नहीं पड़ेगा। और अगर वैकेंसी यानी कि सीट मिलती है कि इस बटालियन को 2 सीट दे दिया, वो उस दिन अगर 2 आदमी जा रहे हैं तो देखा जाएगा कि कौन पहली बार जा रहा है कौन दूसरी बार जा रहा है, ये देखा जाएगा। तो जो पहली बार जा रहा होगा उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। मान लीजिए राम सिंह अपनी तीसरी छुट्टी ले रहा है और श्याम सिंह पहली बार जा रहा है, तो श्याम सिंह का नंबर पड़ेगा क्योंकि वो पहली बार एयर कोरियर सर्विस की सेवा पहली बार ले रहा है, और जो तीसरी बार ले रहा है उसे बाद में रखा जाएगा, पहले इसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इस तरह से है आने जाने के लिए सभी सभी फोर्सों के लिए और सभी कार्मिकों के लिए है। एक जो एयर बस चलती है, शायद एयर इंडिया है कि इंडिगो है, शायद ऐसा कुछ है, मेरे ध्यान से निकल गया। तो नॉर्मली चलती है, खाना पीना जो सब में मिलता है सेम ऐसे ही सब कुछ मिलता है उसमें, ऐसा नहीं है कि सरकारी है तो उसमें कुछ देंगे नहीं और ऐसे ही यहाँ से भरेंगे वहाँ छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उसका पूरा खर्चा है वो आपको भले ही न देना पड़े, सरकार उसका वहन करती है, उसका खर्चा पूरा सरकार देती है। डिपार्टमेंटल जो जिस डिपार्टमेंट के जितने जितने होते हैं वो सबको खर्चा अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सरकार देती है, गृह मंत्रालय उसका वहन कर देता है उनको। और ऐसे ही श्रीनगर में है सुविधाएं, श्रीनगर से तो दिल्ली तक भी है, विशेष परिस्थितियों में श्रीनगर से दिल्ली है, ये विशेष परिस्थिति में कलकत्ता से भी दिल्ली है, तो आप उनका भी यूज कर सकते। तो इससे आपकी छुट्टी है वो आसान हो जाएगी। जो केरला साइड के हैं जिनको श्रीनगर से आने में बहुत समय लग जाता है, तो वो सीधे दिल्ली तक आ सकते हैं, उसमें श्रीनगर से दिल्ली सीधे आए और दिल्ली से अपनी ट्रेन पकड़े आराम से, केरला साइड या तमिलनाडु या कहीं बेंगलोर वगैरह जहां भी राजधानियां चल रही हैं आराम से निकल जाए। तो ये सुविधाएं हैं। इसी तरह महाराष्ट्र गुजरात वालों के लिए भी, नॉर्थ ईस्ट के लिए भी, वेस्ट बंगाल के लिए, हर जगह के लिए इसी तरह की सुविधाएं हैं। तो चाहे आप वहां के रेजिडेंशियल हैं यानी रहने वाले हैं, या आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपको इस तरह की सुविधाएं हमेशा मुहैया रहेंगी। और कितने दिन है कौन सी, ये आप अपने पास रखें, आपको बेनिफिट रहेगा इस चीज का, क्योंकि आपको ट्रेनिंग में कोई नहीं बताएगा और ट्रेनिंग के बाद भी इतनी जल्दी आपको कोई नहीं बताएगा, आपको अपने पैसे से आना जाना पड़ेगा और एयर कोरियर की सुविधा आपको शायद आपको कोई ना बताए। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ उसका, आप उसे स्क्रीनशॉट लेके रखें और आप कभी भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बता सकते हैं कि सर मुझे छुट्टी जाना है, ये सुविधा है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ, तो तुरंत बोल देगा हाँ कोई दिक्कत नहीं।
तो उसके लिए एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है जिसमें लिखना पड़ता है कि मैं एयर कोरियर की सर्विस की जो है पहली बार लेना चाहता हूँ कि दूसरी बार लेना चाहता हूँ, कि तीन चांस मिलते हैं, तो ऐसा बताना पड़ता है। तो इससे आपकी छुट्टी काफ़ी आसान हो जाएगी, आपका हेरासमेंट नहीं रहेगा, आपकी थकान नहीं रहेगी, क्योंकि आने जाने में जो थकान होती है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है ट्रेन में पड़े पड़े दो दो तीन तीन चार चार दिन। इससे क्या है, लगभग हर जगह से आपका एक एक दिन 24 24 घंटे तो बचे ही जाते हैं, और कहीं कहीं तो 36 36 घंटे भी बच जाते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो कलकत्ता से कई जगह ऐसी हैं जहाँ 36 घंटे लगते हैं, और वो पूरा सफ़र आपका आधा से एक घंटे में तय हो जाता है। तो काफ़ी सहूलियत मिल जाती है आपको, उतने समय आपको अपने घर में बिताने का मिलेगा कि आप घर में उतना समय आराम से रह सकते हैं। आने के टाइम भी जितना आपको 36 घंटे पहले चलना था, लेकिन एयर कुरियर से चलेंगे तो 36 घंटे बाद चलेंगे आप ड्यूटी के लिए। ड्यूटी के नियम होते हैं कि आपको जिस दिन की हाजिरी है, जैसे आज तक की आपकी छुट्टी है, तो आज रोल कॉल में आपको पहुंचना होता है, लेकिन आज ना पहुंच के आप कल दोपहर 12 बजे तक पहुंच सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अगर किसी की ट्रेन थोड़ा बहुत लेट होती है तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं कमांडेंट सख्त होते हैं, तो वो अगर रोल कॉल का टाइम है तो वो रोल कॉल में और रात में ही मांगेंगे, यानी कि सुबह आपको हर हालत में ड्यूटी पर सुबह 6 बजे पहुंचना होगा। तो कहीं कहीं इस तरह का भी होता है, अगर कोई सख्त कायदा कानून वाले कमांडेंट या कंपनी कमांडर मिल जाते हैं। वैसे बेसिकली और नॉर्मली देखें तो दूसरे दिन 12 बजे तक का समय रहता है। आज शाम को आपकी छुट्टी खत्म हो रही है, तो आप कल 12 बजे तक रिपोर्ट करना है हर हालत। कल 12 बज के 1 मिनट भी हो जाएगा तो आपको लेट माना जाएगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा। और कई ऐसी भी सुविधाएं हैं, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं जाना है तो आप कलकत्ता में रिपोर्ट कर देंगे तो आपकी छुट्टी मान ली जाएगी कि आपने सही समय पर रिपोर्ट कर दी। आप श्रीनगर में कहीं भी हैं, लेह लद्दाख तक भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपने जम्मू में रिपोर्ट कर दिया, आपको ड्यूटी पे मान लिया जाएगा। आप छत्तीसगढ़ के किसी भी नक्सल डिस्ट्रिक्ट में हैं लेकिन आपने रायपुर में रिपोर्ट कर दिया, आपको ड्यूटी पे मान लिया जाएगा। ये ट्रांजिट कैंप बना रखे हैं, तो आप टीसी बोलते हैं, इन टीसी में आपने रिपोर्ट कर दिया तो आपको ड्यूटी पे मान लिया जाएगा। ये उन्हीं के लिए हैं जो उस एरिया में हैं। तो ऐसा हर फोर्स में रहेगा, हर फोर्स के अपने अपने ट्रांजिट कैंप बने हुए, आप अपने अपने ट्रांजिट कैंप में। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर भी कोई विशेष अगर प्रॉब्लम होती है तो हर फोर्स के अपने अपने आरडीओ टाइप की बनी हुई है, चौकी बनी हुई है, जिनमें आप जाएं और आप उनसे मशवरा ले सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन लेट है तो उनसे स्टंप लगवा सकते हैं, या जो भी आपकी ट्रेन कैंसिल है, आप नहीं पहुंच पा रहे तो आप लिखवा सकते हैं वहाँ स्टेशन प्रभारी से, तो लिखवा ही लें, लेकिन साथ साथ आपके वहाँ फोर्स की जो चौकियाँ हैं उनसे भी लिखवा लें। ऐसा आर्मी वगैरह सबके लिए रहता है, आर्मी एयरफोर्स नेवी जहाँ उनके सेंटर हैं उनके लिए भी है, सीआरपी बीएसएफ एसएसबी सीआईएसएफ सबके लिए वो सेम सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। सबकी अपनी अपनी चौकी हैं, जिसकी जहाँ नियरेस्ट है, जहाँ आवक जावक फोर्स की ज़्यादा है वहाँ सेम रहता है। जैसे ग्वालियर में देखें तो यहाँ एयरफोर्स तो अंदर ही है, लेकिन बीएसएफ का सीआरपी का है, तो आप आते हैं तो आपको सीआरपी बीएसएफ में तो वहाँ चौकियाँ बनी हुई हैं, आप वहाँ रिपोर्ट करें और बताएं ट्रेन लेट है या जल्दी है, या आप समय से आए या लेट हो गए, तो आपको वहाँ पूरी हेल्प की जाए फोर्स के द्वारा। तो ये थी छुट्टी के समय की कुछ जानकारी, आपके फ्यूचर में काम आएंगी, और बहुत जल्द आप सैनिक बनने वाले तो आपके काम आने लगेंगे। तो मैं अभी डाल रहा हूँ उसको, जो ऑर्डर निकला है उस ऑर्डर को डाल रहा हूँ, आप उसे फोटोकॉपी कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में रख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और आप चाहें तो मैं अपने इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम पर मैं फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी जानकारी के साथ, जय हिंद। ये उस ऑर्डर की कॉपी है, इसे आप अपने पास रख लें, और अब हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं।